अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खबसा राइस बनाने का बता रही हूँ कैसे बनाते हैं। अरबी डिश है, बिल्कुल फिक्की होती है, मिर्ची मसाला कुछ नहीं होता है। मैंने छोले जो है दो प्याले छोले लेके रात को भिगो के रखी थी और सुबह को मुझे खबसा राइस बनाना था, इसलिए रात को भिगो के रखी। 8 से 10 टेबल स्पून तेल ले लीजिए, एक प्याज ले लीजिए, लाल कर लीजिए, एक टेबल स्पून भर के 2 टेबल स्पून डालना है। इसमें अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून डालिए, क्योंकि दूसरे कोई मसाले गिरने वाले नहीं हैं, ज़्यादा फीका बनने वाला है। तो ये 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट घुमा के ले लीजिए। देखिए प्याज लाल हो गई है अच्छी, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर 2 चम्मच, कूटा हुआ गरम मसाला, फ्लैट ले लीजिए, बहुत माउंटेन नहीं लेना है, ऐसा फ्लैट लेके 1 चम्मच गरम मसाला। फिर इसको अच्छे से मसाले में भून लीजिए। पूरा 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर लीजिए, देखिए 1 चम्मच भर के जीरा पाउडर। अब देखिए ये जो है इसमें दूसरा कुछ गिरता नहीं है और मसाले अलग से पड़ते नहीं हैं, तो फिक्का रहता है ये। और अब इसमें जो है लाइम वाटर, नींबू का रस बराबर 3 टेबल स्पून डालना है, क्योंकि मैं 3 ग्लास चावल ले रही हूँ, 1 ग्लास को 1 चम्मच। देखिए ये हुआ 2 चम्मच, देखिए 3 चम्मच मैंने लाइम वाटर डाला है। अगर आपके पास नींबू है तो नींबू जो है किसनी के ऊपर खिसके उसका जो स्किन होता है थोड़ा ग्रेट करके डाल दीजिए उसके अंदर। मेरे पास नहीं है वो, इसके लिए मैंने स्किप किया है, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, पर वो तो बहुत अच्छा जायका लगता है इसका। ये जो गोश्त है मैंने उबाल के रखा था, उसमें गोश्त का पानी और गोश्त डाल दीजिए, गोश्त का जितना पानी है वो उसमें डाल दीजिए। और देखिए मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा भून लेना है ताकि ये मसाला इसको गोश्त को इसमें इसकी खुशबू रस बस जाए। देखिए मैंने कोई लाल मसाले नहीं डाले हैं। और देखिए ये है केवड़ा एसेंस की बोतल है, तो ये जो है अपने को पूरा 1/2 चम्मच डालना है, दिखाती हूँ मैं, ये ला लीजिए अच्छे से इसको। और देखिए देखिए मैंने चम्मच से उसका ये लिया है और मैंने डाल दिया है, ये है केवड़ा एसेंस, और ये 1/2 चम्मच डाल दीजिए उसमें। मैं 3 ग्लास चावल डाल रही हूँ इसलिए उसको 1/2 चम्मच डाल रही हूँ, इससे खाने में खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 चम्मच डालडा घी है, आपके पास कोई भी हो तो कोई भी डाल दे, जमीनी डाल दे, डालडा डाल दे, जो भी घी हो, सादा घी डालना है, 1 चम्मच डाल दीजिए, इससे इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। देखिए ये मैंने हरी मिर्च ली हूँ, 8 से 10 ले लीजिए, मेरे 3 ग्लास चावल है तो मैंने 8 से 10 हरी मिर्च ली हूँ। इसको आप काट के चीर के बीच में से डाल दें, छोटे छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, अगर नहीं ये सूख, ये ज़्यादा सूख गई भी है तो इसको ऐसा काट के भी, तो ऐसा 1 में से 2 करके भी डाल दें। देखिए मैं इसको चीर के डाल रही हूँ, तो आप ऐसा जो है तो थोड़ा उसका तेज़पन निकल जाएगा, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, फिक्के राइस रखने हैं अपने को, ये अरबी डिश है, खबसा राइस बोलते हैं इसे। तो बस ये तो मैं अपने जायके के लिए थोड़ी 8-10 मिर्चें डाल रही हूँ, जो नहीं बिल्कुल तेज़ खाते हैं वो 1-2 मिर्च भी डाल सकते हैं। मिर्चियाँ मैंने इसमें डाल दी हैं, अब इसको थोड़ा भून के ले लें आप, और इसमें नमक डाल दें, मैं इसमें 1 चम्मच भर के और 1/2 चम्मच 1.5 चम्मच नमक डाल दूंगा। अब आप टेस्ट करें उसको, मसाला अच्छा भून दें और टेस्ट करें। ये जो उबल रहा है, मसाला भून गया है, अब जो है ये जो भुना हुआ गोश्त है तो इसको जो है निकाल लेना है। देखिए मैं इधर ये प्याज के ही प्लेट में निकाल रही हूँ, देखिए ये जो गोश्त है पूरे 1-1 पीस जो है गोश्त के निकाल लेने हैं, देखिए ऐसे अच्छे से भून लिया मसाले में गोश्त को, फिर पूरा गोश्त हंडी में से निकाल लीजिए।
इसमें से गोश्त पूरा निकाल ले लिया है, यहाँ पे गोश्त है देखिए, पूरा मैंने निकाल दिया है। अब जो है छोले जो है आपने जो भिगो के रखे हैं वो छोले उसमें डाल दीजिए। अपने छोले रात को भिगाने का भूल गए हो और अर्जेंट में खपसा बनाना हो तो आप कुकर में सीटी ले सकते हैं। मैंने आधा घंटा इसको गला के ले ली हूँ, तो ये छोले पक गए हैं। अभी छोले मैं जो इसमें टर्न करूंगी ये मसाले में। अगर आप भूल जाते हैं भिगाना तो आप इसको छोले को कुकर में सीटी ले सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल के गला लीजिए। देखिए अब ये पूरे छोले जो है इसमें मैंने टर्न कर दिया। अब जो छोले का पानी और वो बहुत ही जायका देगा, बहुत ही जायका। देखिए इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। तीन ग्लास चावल है, ये मैंने बिरयानी राइस लिया है, इसको दो पानी से अच्छा धो लीजिए। अगर ये तीन ग्लास चावल आप इतने दो कटोरी छोले और आधा किलो गोश्त में डालते हैं तो ये छः सात से आठ लोग खा लेते हैं खाना। ये आठ लोग, दो वक्त का हो जाता है तो इसमें से बच जाएंगे, तो आठ लोग एक टाइम के लिए खाने के लिए आठ लोग का हो सकता है, और चार टाइम चार लोग खाएंगे तो एक टाइम दो टाइम हो जाएंगे। तो देखिए अब इसको दो पानी से अच्छे से धो लीजिए। देखिए चावल धो के हो गए हैं, मैंने इसमें टॉप कर दिया। देखिए अब इसको अच्छे से हिला लीजिए। आप टेस्ट कीजिए, नमक अगर कम लग रहा है, थोड़ा सा सॉल्टी होना चाहिए वाटर, ताकि पकने के बाद चावल फिर बराबर हो जाता है नमक। टेस्ट करके ना थोड़ा सा आपको सॉल्टी लगना चाहिए, तो चावल पकने के बाद वो नमक बराबर हो जाता है, सॉल्टी नहीं होता है। तो पानी कम है तो इसमें दो ग्लास पानी डाल दीजिए, और पहले का बघारे हुआ एक ग्लास था, और दो ग्लास पानी डाल दीजिए। देखें, और अभी इसमें इतने में चावल पका के ले लेना है, ऐसे हिला हिला के चावल बना के ले लीजिए। चूल्हा फास्ट कर दीजिए और इतना हिला हिला के पका के ले लीजिए, जब दम पे आने लगे तब मैं बताती हूँ। देखिए चावल ज़्यादा कच्चे हैं और पानी कम हो रहा है इसमें, तो और दो ग्लास पानी डाल दीजिए और हिला के पकाइए ताकि नीचे ना लगे चावल। देखिए और दो ग्लास पानी डाला, बस हिला हिला के पकाइए। चावल की कनी देखिए अगर कच्ची लग रही है तो पानी थोड़ा डाल के उसमें थोड़ा थोड़ी देर पकने दीजिए उसे। ये जो है पानी पूरा सूख गया है, छोले और चावल बहुत अच्छी तरीके से पक गए हैं, थोड़ा सा एक कनी कच्चा है तो इसको दम पे रखेंगे तो वो आ जाएंगे। देखिए थोड़ी प्याज तल के ले लीजिए, बेरिस्ता बना दीजिए, अगर नहीं है तो मार्केट में अवेलेबल मिलता है, अगर नहीं है तो थोड़ा फिर तल लीजिए। इसको नीचे ऊपर कर दीजिए ताकि पानी ऐसा ना रहे, इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए एक बार। देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, अब इसका जो है लेवल सरफेस जो है इक्वल कर दीजिए सब जगह से चावल का। देखिए थोड़ा जो है पानी तो रहेंगे दम पे छोड़ने का है, एक कनी कच्चा रखने का है चावल को। देखिए अब इसमें से ये जो प्याज जो तली हुई प्याज है, अगर नहीं है आपके पास बेरिस्ता तो आप थोड़ी सी प्याज तल लें, इस तरह से तली हुई प्याज चावल पे बिछा दें। देखिए भरपूर दानी है प्याज, इसका बहुत ही अच्छा जायका छोकता है। देखिए आपने मसाले में जो भून के निकाला था ये प्याज के ऊपर बिछाना है, पहले प्याज डाल देनी है फिर देखिए। एक्चुअली मंदी के जैसा स्टेप है पर बनता है कप्सा राइस, मंदी जैसा नहीं बनता है, तो ये मंदी से अलग डिश है ये। देखिए फिर ये जो डिश ये जो गोश्त है भुना हुआ मसाले में, ये आप उसको ये इस पर चावल पे बिछा दें। देखिए गोश्त में मसाले का खुशबू रज बस गई भी है, बहुत अच्छा लगता है गोश्त खाने के लिए। पूरा सब जगह पे गोश्त की लेयर होनी चाहिए, ऐसा करके आप बिछा दीजिए तो। और फिर देखिए अब ये जो है ये हंडी खपसा की तैयार हो गई है। टाइट ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए दम पे रख दीजिए और फिर आ जाएंगे दम पे, 5 मिनट के बाद सर्व कीजिए उसका। मिनट हो गए हैं, मैंने गैस बंद कर दिया है, देखो ये गरम गरम खपसा तैयार हो गया है, अब इट इज़ रेडी टू सर्व। सर्व कर दे इसको, गरम गरम प्लेट में निकाल के दे दें।